read, think, digest and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की माँ किताब की कहानियाँ मैं आपको बता रही हूँ। आज की कहानी है शाम की तैराकी। शाम की माँ शाम को कहा करती थी, अरे शाम तैरना सीखो, छोटे छोटे बच्चे भी तैरते हैं, तुम्हें किस बात का डर है? इतने सारे लोग होते हैं, कोई तुम्हें डूबने नहीं देगा। कल रविवार है, कल तैरने जाना। शाम ने कुछ नहीं कहा। रविवार की सुबह हुई। शाम ने सोचा कि कहीं छुप जाऊंगा। शाम छत पर छिपा बैठा था। पड़ोस के वासु, भास्कर, बन्या, बापू आए। बन्या ने माँ से कहा, शाम की माँ आज शाम तैरने आएगा ना? हाँ आने वाला तो है, लेकिन वह है कहाँ? मुझे लगा था कि शाम तुम्हारे यहाँ ही गया है। बोलते बोलते माँ शाम को ढूंढने लगी। शाम ऊपर से बातें सुन रहा था। बच्चों ने कहा, हमारे यहाँ तो नहीं आया, हम लोग ऊपर ढूंढे क्या उसे? शाम की माँ, माँ ने कहा, देखो तो जरा ऊपर है क्या? चूहों की तरह छिपने की उसे आदत जो है, लेकिन ऊपर जरा संभाल कर जाना। हाँ संभल कर कदम रखना। किसी ने कहा कि यहाँ नहीं है, वो यहाँ क्यों छिपा बैठेगा? दूसरे ने कहा, चलो चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। इतने में भास्कर ने कहा, अरे वो देखो उस खत्ते के पीछे शाम। सब देखने लगे। सबने कहा, शाम चलो ना, इस तरह छुप कर क्यों बैठे हो? है ना ऊपर, मुझे लगा ही था कि वो ऊपर ही छुपा होगा, ले जाओ उसे, छोड़ना मत, माँ ने कहा। बच्चे शाम को खींचने लगे, लेकिन वे सब तो पराए बच्चे थे, ज्यादा जोर नहीं लगा सकते थे। वे धीरे धीरे खींच रहे थे और शाम अपनी पूरी ताकत लगाकर डटा हुआ बैठा था। बच्चों ने कहा, शाम नहीं आ रहा है, वह तो हिल भी नहीं रहा है। माँ को गुस्सा आया और उसने कहा, देखे तो सही वह कैसे नहीं निकलता, कहाँ है वह? अभी आ रही हूँ, रुको। माँ ऊपर आई और गुस्से से उसने शाम को पकड़कर खींचा। वह शाम को घसीटते हुए ले चली। तब भी शाम अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक हाथ से माँ उसे खींच रही थी और दूसरे हाथ में पकड़ी छीली हरी डाली से शाम को पीटने लगी। माँ ने बच्चों से कहा, तुम हाथ पकड़कर खींचो, मैं पीछे से उसको मारती हूँ और अच्छे से पिटाई भी करूँगी, देखते हैं कैसे नहीं जाता है। शाम चिल्लाने लगा, ओ माँ मर गया मैं, कुछ मरोगे वरोगे नहीं तुम, उठो उठ कर चलने लगो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पानी में इसे दो चार बार डुबाना रे, नाक में मुंह में खूब पानी जाने दो। शाम ने कहा, जाता हूँ माँ, मुझे मत मारो। माँ ने कहा, जाओ तो फिर, अगर फिर भागे तो मैं घर के अंदर नहीं आने दूंगी। देवघर के कुएं पर उस वक्त बरवड़ेकर का बालू और अन्य युवक भी थे। बालू ने कहा, आओ शाम मैं सुखड़ी ठीक से बांध देता हूँ। बात करते करते बालू ने शाम के कमर में सुखड़ी बांधी। शाम थरथर कांप रहा था। हाँ चलो कूदो अब, बालू ने कहा। शाम कुएं के पास गया, आगे पीछे कर रहा था, तभी किसी ने पीछे से धक्का दिया। शाम चिल्लाया, बचाओ माँ मैं गया। पानी में जो लोग तैर रहे थे उनसे शाम लिपटने लगा। वे शाम को लिपटने नहीं दे रहे थे।
उल्टे वे शाम को तैरने के पाठ पढ़ाने लगे। लेट जाओ, ऐसे पेट पानी पर लगाओ, लंबे फैलो, हाथ हिलाओ, डरो मत, डरोगे तो जल्दी सांस फूलने लगेगी। शाम को सब पाठ पढ़ा रहे थे। शाबाश शाम, अब तुम्हें तैरना आ ही जाएगा। डर निकल गया तो तैरना आ ही जाता है। शाम की कमर में सुकड़िया थी, इसलिए डूबने का डर नहीं था। शाम का पानी का डर भी गया। शाम और उसके दोस्त घर की ओर चले। बाकी बच्चे शाम को घर छोड़ने आए। बनिया ने शाम की माँ से कहा, शाम की माँ, आखिर शाम खुद कूदा, बिल्कुल डरा नहीं। अब सुकड़ी बांध कर वह थोड़ा थोड़ा तैर भी सकता है। माँ ने कहा, अरे पानी में कूदे बगैर, नाक कानों में पानी घुसे बगैर तैरना नहीं आता, डर भी नहीं जाता। शाम सिर अच्छे से पोंछ लो। बच्चे चले गए। घर में शाम थोड़ा गुस्सा होकर बैठा था। शाम कहकर मीठे स्वर में माँ ने बुलाया। माँ ने कहा, दही के देगची लेना, जरा अंदर उसके दही है, उसे चाट लो। श्याम ने शुभ्त होकर कहा, मुझे नहीं चाहिए, सुबह तुमने कितना मारा और अब दही दे रही हो, देखो अभी भी मेरे बदन पे वो निशान है। माँ की आंखों में आंसू झलक आए। वह उठ गई। माँ तेल की कटोरी ले आई और शरीर पर बने निशानों पर लगाने लगी। माँ बोली, श्याम दुनिया तुम्हें डरपोक कहे, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? मेरे शाम को कोई बुरा न कहे, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। मेरे बच्चों की कोई बेइज्जती करे तो मैं उसे सहूंगी नहीं। मेरा कोई अपमान करे तो मेरे बच्चों को इसे सहना नहीं चाहिए। गुस्सा नहीं होना शाम, साहसी बनो। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमें अपने बच्चों को साहसी बनाना चाहिए, डरपोक नहीं। थैंक यू।